भाई साहब हम लोग यहाँ पे आए थे अब ड्यूटी के लिए, और हमारा वही आपको बताया था मैंने, जो अपनी दुकान है वहाँ पे आके बैठ गए, और यहाँ हो गया भैया सुबह सुबह झगड़ा। जो हमारे अंकल जी थे सुबह सुबह झगड़ा कर रहे हैं, जो करे इतने का इतना, अब देखो फिर से बोल रहे हैं। देख रहे हो भाई साहब, ये भाई साहब हमारे समझा रहे हैं कि भैया बात खत्म करो, झगड़ा मत करो, लेकिन अंकल जी हैं जो बात को बढ़ाए जा रहे हैं। अंकल जी ले गए अपना सौदा, अंकल जी कह रहे तेरी ऐसी कम तैसी। भैया आप क्या महान आदमी बन रहे थे जो वहाँ पे जाके आपने, ये किसके अलावा, किले के अलावा, इस ये अच्छा इसके अलावा दिखा दो। ओ बड़े आदमी, देखो लो पंडित जी भाइयों, एक पैक लो इसमें भाइयों, देखो लो इसको, लाइक मत करना, कमेंट मत करना, सब्सक्राइब मत करना, कुछ भी तो तुम पैक लो ना अपना। देखो ये आदमी की है, ये कुछ बात नहीं है, ये आदमी की है जेलिसी, ये आदमी जलते हैं, कोई खास नहीं मानती है। हां ये रजनीगंधा दे दो भैया का, भैया जो आदमी रजनीगंधा किसी और से वो करवाते हैं और रजनीगंधा खाते हैं, धूल में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, ये सोचते हैं कि रजनीगंधा खाने से दुनिया कदमों के नीचे आ जाएगी। पानी भी पीते हैं भाई साहब, फंकी लगाते हैं। अरे भैया वाह, ये देखो मैं घर में मम्मी को बोल दूंगा, बता रहा हूँ मैं ये क्या हो रहा है, देख रहे हो भाई साहब, मतलब बड़े लोगों की बड़ी सोच, धूल में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, बात तो सही है। ओ खा गया गजा हमारा चकम्बो चकम्बो, माल तो मिला भाई ने, अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा सर चकराएगा, थोड़ा सा मजा आएगा। सबसे दर्द में तो तारिक भाई वो आदमी है जिसको ड्यूटी ना मिल रही। यो सही था, कदम से आग लगा दी भैया ने। अरे भैया तू तो देख लियो, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, आधे पैसे भी लेंगे। हाँ आधे पैसे, हाँ आधे पैसे, ये वीडियो इन्होंने कहा एक डेढ़ लाख रुपए महीना लगेंगे तो आधे पैसे बिनोद जी लेंगे। क्या बोला तूने? तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, कचौरी और सब्जी, सब्जी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, हमने सुना ही है बस, अब खा के देखेंगे पता चलेगा। तो चलिए कचौरी और पूरी का नाश्ता करते हैं, कचौरी और पूरी एक ही बात हो गई, कचौरी और सब्जी का नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर चलेंगे अपना घर, ठीक है भाई साहब। ये है दुकान जहाँ पे हमें खानी है पूरी कचौरी, अपने दोस्त ने खोल रखी है दुकान, तो बढ़िया बेहतरीन चल रहा है इसका भी काम वाम, और ये अभी अपनी पूरी बनाएगा बेहतरीन, देख रहे हो भाई साहब, हंस देता तुरंत भाई, बेहतरीन बनाता लोंडा, अब यहाँ पर खाएँगे, खाने के बाद देखेंगे आगे क्या होगा। यार इन्होंने खोल कर रख रखी, इसे बंद करवाऊँगा, इसको बोल के मैं कि इसको ढक के रखा कर, यूँ कहूँगा। ऋषभ कैसा लग रहा, ठीक है बढ़िया, अब तो सुबह सुबह जो मिल जाए वो बढ़िया है ना, बनाने से तो अच्छा ही है। भैया कचौरी आ गई है, कचौरियाँ और हम सब्जी, अपना सुबह का नाश्ता, ये कि बनाने की दिक्कत नहीं आने की हम लोगों को, है कि नहीं ऋषभ? वाह क्या बात है, खा लो खा लो भाई साहब। ये ऋषभ को देखो, इसे शर्म नहीं आ रही, दो दो टिक्कियाँ खा रहा है एक साथ। भाई वो खाएगा कैसे, खाएगा कैसे, सॉस चटनी नहीं, कौन से हाथ से खाएगा, क्योंकि दोनों हाथ में तो टिक्की दे रहे, एक नीचे रखूंगा ना। अच्छा भाई साहब ऋषभ को यहाँ की टिक्की बहुत पसंद आई है, ऋषभ कह रहा भाई यहाँ की टिक्की सस्ती और अच्छी दोनों है ना, तो गाजियाबाद में बहुत महंगी मिलती है टिक्की, ये कितने की टिक्की ऋषभ? सही है, गाजियाबाद में सेम रेट है, सेम रेट है, लेकिन यहाँ की ज़्यादा पसंद आ रही है, क्या बात है भाई, देख रहे हो मेरठ में भी भाई टिक्की खाना आया करो, ठीक है। ये अपनी टिक्की वाले की दुकान, टिक्की वाले भाई साहब की दुकान है तुम्हारा चेक पोस्ट से, ये क्या बोलते हैं जेल चुंगे के बीच में, कभी भी आ जाओ, ओम नमः शिवाय के पास टिक्के खाओ तब आ गए। चलिए दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक मेरा वीडियो को देखने के लिए, और आपका ऐसी साथ बना रहा तो आगे तक जल्दी पहुँच जाएंगे, थैंक यू दोस्तों। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आपको टुनुक 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 पता चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।